हे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑल इंडिया ब्रूम मैन्युफैक्चरर के यूट्यूब पेज पे। नॉब से शुरू करते हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कैसे मिलता है और उसकी क्वालिटी को कैसे पता करें कि वो किस रेंज की क्वालिटी है, क्या प्राइस में हमें मिली है। साथ ही साथ घास की झाड़ू बनाने के लिए क्या क्या लगेगा रॉ मटेरियल, और सीख झाड़ू की झाड़ू बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा। घास से शुरू करते हैं। घास की पैदावार आसाम, शिलोंग, सिलीगुड़ी, नेपाल में होती है। नेपाल का ज़्यादातर माल बिहार के अंदर यूज़ किया जाता है, बिकॉज बिहार सेक्टर के पास नेपाल लगता है और वहाँ पर वो काफ़ी कम शिपमेंट के साथ पहुँच जाता है। आसाम का माल और शिलोंग का माल पूरे भारत में इस्तेमाल किया जाता है, इसे फेवरेट भी कहा जाता है। आसाम और शिलोंग के अंदर ही कई अलग अलग जगह है, जैसे अलग अलग छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ की खेती के अनुसार पे उनका माल ज़्यादा अच्छा निकलता है, जिन्हें अलग और तेज़ रेट में बेचा जाता है। यानी कि जो गाला झाड़ू के अंदर घास इस्तेमाल होती है, ताज करके घास होती है, उसमें इस्तेमाल की जाती है। मतलब कहा जाए तो आसाम और शिलोंग मेन हब है जहाँ से इस तरह से घास की पैदावार सबसे ज़्यादा है भारत के अंदर। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, सिलीगुड़ी वन ऑफ दैम, लेकिन सिलीगुड़ी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी डाउन क्वालिटी में आ जाता है। यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खास माल नहीं कह सकते, लेकिन स्टार्टिंग में जब ये जंगल की पैदावार शुरू होती है तो यहाँ पर अच्छा माल निकलता है। जनवरी, फरवरी, मार्च ये मेन पीक टाइम होता है इन सभी जंगलों से घास की कटिंग होने का, यानी कि यही खेती की कटिंग का टाइम होता है। यही झाड़ू व्यापार में शुरुआत का समय होता है जब आप कच्चा माल खरीद सकते हैं एक अच्छे रेट पर। दूसरी बात ये उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बल्क क्वांटिटी में मटेरियल परचेज करना चाहते हैं, वो आसाम, शिलोंग, सिलीगुड़ी, नेपाल इन सभी लोकेशन से रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं। एक छोटी गाड़ी के अंदर 181 बोरे आते हैं और बड़ी गाड़ी के अंदर 330 प्लस रहते हैं। यानी अगर आप एक गाड़ी या दो गाड़ी भी परचेस करने की एबिलिटी रखते हैं तो भी उसकी कोई इज्जत नहीं है, बिकॉज वहाँ पर मंडी है, एक पूरे भारत का सप्लायर वहाँ पर आ रहा है और बल्क क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है। या अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ मंडी में जाकर और कच्चा माल परचेस करूँ एक गाड़ी दो गाड़ी, तो करना आसान है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उस समय मार्केट का रश कैसा है। अगर मार्केट में रश ज़्यादा है तो आपका वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी सप्लायर्स ने पार्टीज़ को, यानी जो मंडी के अंदर पार्टी अवेलेबल है, उनको एडवांस में पेमेंट कर रखी है। 10-10 गाड़ी होगी, 20-20 गाड़ी होगी, 50-50 गाड़ी होगी, तो वो आपको रॉ मटेरियल देंगे, कोई गारंटी नहीं है, वो आप में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे क्योंकि आप एक गाड़ी लेके टाइम वेस्ट कर देंगे। पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ पर जाएं तो आपको एक गाड़ी दो गाड़ी भी मिल सकती है, लेकिन मेन फोकस क्या था कि क्वालिटी को किस तरीके से नॉश आउट करना। चलिए घास के अंदर हो गया, घास के अंदर काफ़ी क्वालिटी होती है। आसाम के अंदर भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके क्वालिटी है। कोई भी सप्लायर अपने प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं कर पाता कि वो किस क्वालिटी का है। अगर आप मतलब टॉप क्वालिटी का अगर रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं आसाम से या शिलोंग से, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका रेट मार्केट के रेट के हिसाब से होगा। जैसे अभी करंट के हिसाब से अगर हम चलें तो 4,500, 5,500, 6,500, 7,500, यहाँ तक कि 8,000 रुपये तक भी आपको घास का बोरा मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। अच्छा, क्वालिटी कैसे डिफाइन करनी है आप लोगों को? घास झड़ना और घास के ऊपर निर्भर करता है। मैं कुछ फोटोज आपको शेयर कर देता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब एक नंबर और तीन नंबर, दो नंबर में डिफरेंस क्या रहता है। ये सिर्फ एक आइडिया के लिए मैं आपको फोटो शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा आप जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है। एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ कि ये पिक्चर जो आपके सामने है ये एक नंबर माल की है, यानी कि ये प्रोडक्ट बनने के बाद भी बहुत कम मात्रा में झड़ता है। झड़ना मतलब बहुत धीरे धीरे करके इसका ग्रोथ होता है, मतलब ख़त्म होता है। दूसरा जो प्रोसेस हैगा वो पार्ट है हो गया सेकंड क्वालिटी तेज़ी में नष्ट होती है। थर्ड क्वालिटी ऑलरेडी नष्ट के कगार पर है, वो खेतों में ज़्यादा पानी ले चुका है। यानी कि एग्जांपल में मान के चलिए जो खेती पेड़ों में से निकल रही है, यानी भूमि में से निकल रही है, उसे एक राइट टाइम पे जो कट किया जाता है वो राइट टाइम के हिसाब से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करती है। अगर वो काफ़ी देर में या फिर उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन है तो वो तीन नंबर या चार नंबर बन जाती है। चार नंबर नाम का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसे तीन नंबर को ही सबसे डाउन क्वालिटी माना जाता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब घास की झाड़ू बनाने का हम लोग काम करते हैं
तो कई जगह पर ये देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को कम करने के लिए कई फॉर्मूलाज का यूज़ करता है, जैसे कि वो फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी दोनों को मर्ज करके बनाता है। यानी सेकंड क्वालिटी को वो 200 ग्राम यूज़ करेगा, यानी बीच में सेंटर में यूज़ करेगा, और जो अच्छी क्वालिटी है उसे बाहर साइड से कवर अप करके एक प्रोडक्ट को अच्छी खूबसूरती देने के लिए फर्स्ट क्वालिटी का यूज़ करता है। उससे उसको प्रोडक्ट का एक अच्छा एवरेज मिल जाता है। इसे कहते हैं मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट हो गया इसका प्राइस। प्राइस मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ही प्रोडक्ट का प्राइस एबल करता है। यानी कि एग्जाम्पल पे मैं मान के चलता हूँ कि मंडी के अंदर 5,500 रुपये का बोरा, लेकिन वही चीज़ अगर आप दिल्ली से परचेज करेंगे एट द करंट प्राइस पे तो वो आपको 6,500 रुपये का भी मिल जाएगा, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग 350, 400 रुपये या 500 रुपये इन गोदाम के अंदर आने के बाद लगा है। यानी शिपिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, इन सबको मिलाने के बाद। ज़्यादा डीपली इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी कॉल्स रहती है, उन लोगों को समझ में नहीं आता। हमारी कोशिश है कि आप मुझे देखते हुए जो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं वो मुझे बताते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट कर देता हूँ, आप समझ पाएँ। कोकोनट स्टिक्स के अंदर जो माल निकलता है तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और जितने भी ये साउथ साइड के इलाके हैं इनका माल निकलता है। कोकोनट स्टिक क्या होती है? कोकोनट स्टिक जो आप देखें नारियल का बड़ा पत्ता होता है, उस पत्ते की जो बीच की हड्डी है ना वो एक स्टिक है। उस स्टिक को ही साफ करके, गला के, सड़ा के, अलग अलग प्रोसेस से उन स्टिकों को निकाला जाता है। गांव के लोग, विलेजर जो है गांव के लोग होते हैं, वो सिक्कों को इकट्ठा करके जो वहां के सप्लायर्स होते हैं उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। उन सप्लायर उसमें से अलग अलग क्वालिटी छांटता है, यानी पत्ता, कम पत्ता, साफ, वो साफ भी करवाता है, उसके बाद उन्हें पैक करता है और फिर उन्हें पूरे इंडिया में शिपमेंट करता है। सेम फंक्शन यहाँ पे भी रन करता है। यानी कि अगर आप ये सोचें कि मैं डायरेक्ट तमिलनाडु, आसाम या जहाँ पर इसकी खेती हो रही है या जहाँ से माल निकल रहा है मैं वहाँ जाके ले लूँ, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही नहीं पता है कि पार्टीज कौन सी जेन्युइन है। सेकेंड पार्ट ये है कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ अपना डील कर चुका है कि उसे 10 गाड़ी किसी पार्टी को देनी है, तो अगर आप पहुँच भी जाए तो आपको वो क्वालिटी मिले या वो आपको प्रोडक्ट दे या ना दे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन्हें बल्क क्वांटिटी में डील करनी है। उन्हें 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी इस तरीके से डील करनी है, वो 50, 20, 30 के लिए नहीं करेंगे। अगर आप एक स्टार्टअप के तौर पे देख रहे हैं तो आपको सिंपल एक स्टेप फॉलो करना है कि यानी कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा नज़दीकी आपके सप्लायर अवेलेबल हो ताकि आपका शिपमेंट जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। आप किसी भी सिटी में अवेलेबल हो, हर सिटी के अंदर मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है, कोई रेयर रेयर सिटी यानी छोटी छोटी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बाकी उसके आसपास जो उसका जिला है, जो उसका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरर भी मिलेगा और सप्लायर भी मिलेगा। जो बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो सप्लाई का काम करता ही करता है, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी अपने बनाने के लिए स्टॉक तो अवेलेबल है ही, साथ ही साथ अगर उसे अच्छा रेट मिलता है यानी 400, 500, 1,000 रुपये बोरे के हिसाब से मिलता है तो वो उसे सेल आउट भी कर देता है। तो अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी, जितना नज़दीक हो सके उतना क्लोजअप जाइए और वहाँ से अपना प्रोडक्ट परचेज करिए। क्वालिटी की बात हो गई कि मिलता कहाँ है, क्वालिटी आपको बता दी कि वो अलग अलग छाट के निकालते हैं। इसमें कई प्रकार से सीकें मिलती हैं, यानी कि साइज़ के हिसाब से 36 इंच सबसे छोटा हो गया, मतलब इस 36 इंच का बोरा होगा। अगर एक मान के चले कि 36 इंच का बोरा लेते हो तो उसमें 36 तक का ही साइज़ अवेलेबल रहेगा। एक कुछ क्वालिटी ऐसी भी होती है जिसमें कहते हैं कि 36 से अबव है लेकिन 45 तक इंच का साइज़ रहेगा। कुछ उसमें क्वालिटीज़ ऐसी आती हैं कि 42 से अबाव अबाव ही क्वालिटी है। ये सभी जो मैंने आपको बताया कि फार्मर्स सीको को लाकर सप्लायर्स को प्रोवाइड कराते हैं, सप्लायर उन क्वालिटी को अलग अलग छांटता है, साफ भी करवाता है, साफ करवाने के बाद उन पे ब्लीचिंग प्रोसेस करवाता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें सीक झाड़ुओं को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है 15 से 30 दिन के, और उसके बाद उनका जो कलर होता है वो थोड़ा सा और ब्राइट हो जाता है, बिकॉज इंडियन जो पॉपुलेशन है उन्हें झाड़ू, सीख झाड़ू थोड़ी खूबसूरत यानी साफ रंग की चाहिए होती है। अगर वो काली नज़र आती है, पत्ता नज़र आता है, तो वो उसे कम रेंज में मानते हैं। तो जब से क्वालिटी के ऊपर इंडियन पॉपुलेशन ने ध्यान दिया कि झाड़ू भी रंग साफ सुथरा होना चाहिए, तब से ही ब्लीचिंग प्रोसेस और अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से पैकिंग स्टार्ट हो गई। नहीं तो स्टार्टिंग टाइम में सिर्फ और सिर्फ कच्चा माल आता था और उस कच्चे माल को उठाकर सप्लायर को प्रोवाइड करा दिया जाता था, उसमें अच्छा साफ पत्ता सब चलता था।
अब अलग अलग करने लगे हैं, तो इसलिए जैसे जैसे आप जिस सप्लायर के साथ कांटेक्ट करेंगे उसी हिसाब से सप्लायर आपको रेट प्रोवाइड कराएगा, यानी जैसे वो आपको बता सकता है ऑल मिक्स, यानी जीरो से लेकर टॉप साइज तक जो उसके अंदर सीके हैं वो अवेलेबल है, इसे कहेंगे ऑल मिक्स। और ऑल मिक्स का प्राइस वो आपको बता देगा कि ये 3,000 का है, ये 3,500 का है, ये 4,000 का है, 4,500 का है। ये जो प्राइस रेंज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। यानी एग्जाम्पल में वो ये बताता है कि 3,000 रुपये का ऑल मिक्स नॉर्मल है, सिंगल ब्लीच यानी एक बार उसे प्रोसेस से गुजारा गया, सिंगल ब्लीच 3,500 रुपये का है। और उसने बताया कि डबल ब्लीच यानी दो बार उसे ब्लीचिंग प्रोसेस से गुजारा गया, यानी उसका कलर जो है वो बहुत ब्राइट होगा, बहुत साफ होगा, उसके बाद वो आपको बता रहा है कि 4,000 रुपये, और विदाउट एनी लीफ वो बता रहा है 45,000 रुपये, यानी 4,500 रुपये। इसे एग्जाम्पल पे ऐसे समझिए, इसमें तीन चार चीज़ें होती है। कस्टमर क्या देखता है, पत्ता है कि नहीं है, साफ झाड़ू है कि नहीं है, रंग है कि नहीं है। इसी तरीके से सप्लायर भी चेक करता है कि पत्ता है या नहीं है, उसके अंदर सफाई कैसी है, रंग कैसा है, साइज कैसा है, उसी हिसाब से उसके रेट होते हैं। मार्केट के अंदर रेट घटते बढ़ते रहते हैं, यानी कि मिनिमम जो हमने परचेजिंग करी है इस साल के हिसाब से हमने 2,250 रुपये से पूरा परचेज करा है, उसके बाद जो हमने मतलब सप्लाई करा वो हमारे मार्जिन के बाद हमने उसे सप्लाई करा, परचेजिंग बता रहा हूँ, 2,250 रुपये से लेके 3,500, 3,800 और 4,500 रुपये तक हमने पूरा परचेज करा है। कोकोनट स्टिक को कम्पीट करने के लिए एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है, वो है इंडोनेशियन स्टिक्स। इंडोनेशियन स्टिक इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट करी जाती है, यानी इंडोनेशिया से भारत के अंदर आती है। इसका रेट ज़्यादा रहता है हर सीको से, इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा रहती है, साथ ही साथ इसका कलर बिल्कुल वाइट रहता है, बिल्कुल वाइट रहता है, लेंथ इतनी रहती है कि 5 फुट आदमी के ऊपर चली जाती है, इतनी लंबी लंबी लेंथ भी रहती है। इंडोनेशियन मार्केट ने जब से इंडिया के अंदर कदम रखा है उसके बाद से उसने अलग अलग क्वालिटी भी निकाली है जो इंडियन मार्केट को कवर करने के लिए, यानी कोको करके वो निकालती है, बिल्कुल गोल साफ सीखे होती है, लंबी लंबी वो भी मिल जाती है क्वालिटी में। बहुत इंडियन सप्लायर्स अवेलेबल है जो एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरा क्लियर कर दिया प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, किस तरीके से परचेज करना है, इसका मेन पॉइंट हब क्या है। अगर आप लोगों को कोई डाउट अगर रह गया हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिए कि मेरे पास भी कुछ अपने पर्सनल काम है, उसके बाद भी मैं आप लोगों के ऊपर ध्यान देता हूँ कि आप लोगों की जो क्वेश्चंस है, जो मन में डाउट्स है, उन्हें क्लियर कर पाऊँ। सो व्हाट्सएप पे कैरी ऑन करिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, जब भी हम फ्री रहते हैं हम उसे फॉलो अप करते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे 101%।